वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास बागी सिंह गुरसिख जीवन चैनल के उत्ते आप जी का बहुत बहुत स्वागत करता है। अज की इस वीडियो के असी विचार करांगे इस्लाम धर्म की गुरु घर प्रति जो प्रेम सी, जो श्रद्धा सी, उस बारे। इन बहुत अजिहे नाम ने जिन्हां दे बारे सिख संगत बहुत ही घट जानदियां ने। अज की इस वीडियो असी उन्हां दे बारे ही चर्चा करांगे। इस्लाम धर्म के बहुत ही अजिहियां महान शख्सियत पैदा हुई ने जिन्हों का गुरु घर प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम सी। जेकर असी उन्हां महापुरखों की गल करिए लिस्ट बहुत ही वड्डी हो जूगी। सो असी इस लिस्ट के केवल 10 उन्हां महान शख्सियत के नाम दसे ने जिन्हों की सिख धर्म के बहुत ही ज़्यादा गुड़ी प्रीत सी। सब तो पहला जे असी गल करिए गुरु नानक देव जी के सिख की, ठीक है, जां असीं इस्लाम धर्म दे विच पक्के एक मुसलमान की गल करिए तां ओह नाम सब तो पहला आंदा है भाई मरदाना जी। भाई मरदाना जी का जन्म इस्लाम धर्म दे विच होया। वह 82 कुल तो सन, पर बहुत ही हैरानी वाली गल आ इस्लाम धर्म दे विच हुंदे होए भी वह सिखां दे पहले कीर्तने वाजों ने वाजे गए ने। दूसरे नंबर दे उत्ते जे असीं गल करिए तां सूफी संत साई मियाँ मीर जी जिन्हां ने दरबार साहब की नींह रखी, यह गुरु अर्जन देव जी दे बहुत ही गूढ़े मित्र सन ते इस्लाम धर्म दे विच इन्हां दा बहुत ही उच्चा रुतबा सी। तीसरे नंबर दे उत्ते जे असीं गल करदे आं भाई नत्था जी ते भाई अब्दुल्ला जी, जे असीं पहले कीर्तनियां दी गल करिए वह भी इस्लाम धर्म तो सन, दरबार साहब की नींह रखण वाले वह भी इस्लाम धर्म मुसलमान सीगे, ते पहले ढाडी सीगे जो नत्था जी ते भाई अब्दुल्ला जी ये भी इस्लाम धर्म तो सन जिन्हां ने पहली बार अकाल तख्त साहब के उत्ते ढाडी वार गाई आ, ते छेवें पातशाह ने इन्हां नूं पहले ढाडियां वजों निवाजिया। चौथे नंबर के उत्ते असीं गल करते हाँ पीर भिखन शाह जी की, पछम वल नूं सिजदा करन वाला पूर्व वल नूं मुख करके नवाज पढ़न लग गए। जदों उन्हां दे चेलियां वल्लों पुछया गया कि तुसीं अज पछम वल नूं क्यों नहीं नवाज पढ़ी, पूर्व वल नूं क्यों पढ़ी आ, तां उन्हां ने कहा कि अज पटना साहिब दे विच धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश हो चुकिया, इस करके अज मैं पछम वल नहीं अज पूर्व वल मुख करके नवाज पढ़ी आ। ये सन पीर भिखन शाह जी जो कि इस्लाम धर्म तो सन। इन्हां दी भी गुरु घर दे नाल बहुत ही गूढ़ी प्रीत, ते इन्हां नूं आगास हो गया सीगा, इन्हां नूं पता लग गया सीगा कि अज पूर्व दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश हो चुकिया आ। पंजवें नंबर दे उत्ते जे असीं गल करिए तां कोटला निहंग खान जिन्हां दा किला रोपड़ विखे आ, ते जदों गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहब का किला छड़ के आ रहे सन तां इन्हां दे किले दे विच उन्होंने विश्राम किया सारियां फौजां ने, ते भाई विचित्र सिंह जी की भी इन्हां दे घर दे विच ही शहीदी हुई आ। इन्हां दी भी सिख पंथ नूं बहुत ही वड्डी देण आ। छेवें नंबर दे उत्ते जे असीं गल करिए तां उन्हां महान शख्सियतां दी गल करांगे जिन्हां ने इस्लाम धर्म दे विच हुंदे होए भी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं उच्च दे पीर दा दर्जा दिता आ। ये सन भाई गनी खान ते नमी खान, सिख पंथ दे विच इन्हां दी भी बहुत वड्डी देण आ। सतवें नंबर दे उत्ते जे असीं गल करदे हाँ तां उह हन पीर बुद्धू शाह जी। पीर बुद्धू शाह जी बहुत ही उच्च कोटि दे विद्वान सन, इस्लाम धर्म दे विच इन्हां दा बहुत ही वड्डा रुतबा सीगा, ते जदों इन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल 500 पठान भर्ती करवाए सीगे ते ओह 500 पठान जंग होण तों पहलां ही भज गए सीगे, तां इन्हां ने उस वक्त भरा ते अपने पुत्रां दे नाल ते 700 मुरीद होर नाल लै के गुरु गोबिंद सिंह जी कोल हाजिर होए सन, ते भगाणी दे युद्ध दे विच इन्हां दे दो पुत्र ते भरा शहीद हो गए सन, जिन्हां तों खुश हो के गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हां नूं अपनी दस्तार ते अपना कंघा दिता सीगा। पीर बुद्धू शाह जो कि इस्लाम धर्म तों सन, गुरु घर नाल बहुत ही गूढ़ा प्रेम करदे सन। अठवें नंबर की गल करिए तो हन शेर मुहम्मद खान। भावें इन्हां दी गुरु घर दे नाल कोई प्रीत नहीं सी, भावें ही ये गुरु गोबिंद सिंह जी दे खिलाफ कई जंगा लड़ चुके सन, पर सूबे की कचहरी दे विच इन्हां ने हा दा नारा मार के छोटे साहबजादियां दे मतलब हक की गल करके इन्हां ने यह दसता कि एक सच्चा मुसलमान ना तो किसी ने हत्ते दे उत्ते वार करदा, ना बच्चों ना औरत दे उत्ते। जेकर एक मुसलमान जंग करूगा तो वह मैदाने जंग दे विच आमो सामने हो के ही वार करूगा। इस करके असी शेर मुहम्मद खान जी का अपने इस लिस्ट दे विच नाम जरूर रखिया है। नौवें नंबर दे उत्ते असी गल करते हैं अल्लाह यार खान जोगी जी।
जो कि इस्लाम धर्म के होंदे हुए भी इन्होंने अपनी जिंदगी दे विच दो किताबां लिखियां सन, जिसका नाम आ शहीदां ने वफा ते गंज ए शहीदां। इन्हां दे एक जीवन की एक घटना है, जदों इन्हां दे उत्ते फतवा जारी कर दिता कि तू नवाज नहीं पढ़ सकता, ठीक है, तू इस्लाम धर्म के किसी भी कारो काम काज दे विच नहीं आ जा सकता। तो इन्होंने एक गल कही सी, मैनू किसी की भी जरूरत नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने मैनू अपने चरणों के जगह दे दिती आ, मैनू होर कितने भी जाने की लोड़ नहीं, मैं अपने इस जवान के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी की उस्तत करती, मैनू होर कुछ भी करन की लोड़ नहीं। यह महान शख्सियत सीगे अल्लाह यार खां जोगी, जो कि गुरु घर नाल इन्ना गूढ़ा प्रेम करते सन। दसवें नंबर के उत्ते असीं गल करांगे जिन्हां दे बारे बहुत ही घट सिख संगतां नूं पता है, वह हन बीबी जैना जी। बीबी जैना जी वजीर खान दे पत्नी सन। जदों सूबा सरहंद ने छोटे साहबजादियां नूं नीहां दे विच चिणा के शहीद करन की गल की, तां बीबी जैना जी ने भी शेर मुहम्मद खान वांगू हा दा नारा मारिया। तो कई इतिहासकार लिखते हैं कि जो साहबजादियों को शहीद कर दिया गया तो बीबी जैना ने उस किले की कंध के उत्ते चढ़ के खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया सीगा। इन्ना गूढ़ा प्रेम सीगा इन्हां दा गुरु घर दे नाल। ये सन बीबी जैना जी का इतिहास, जिन्हां दे बारे सिख संगतां बहुत ही घट जानदियां ने। सो ये सीगी साढ़े 10 इस्लाम धर्म के जो सत्कारयोग शख्सियत आ उन्हां दे बारे। इस वीडियो का असी दूजा पार्ट लेके आवांगे, जिन्हां दे विच इस शख्सियतां दे बारे असी तुहानू बहुत ही डूंगी जानकारी देवांगे। सो जे तुहानू वधिया लग्या तां इस वीडियो नू लाइक ते शेयर करो, कमेंट करो, जे जो भी तुहाडे मन दे विच सवाल, जिस तरह का भी तुहाडे मन दे विच कोई भी सवाल आउंदा तां तुसीं सानू कमेंट करके पुछ सकदे हो। जिस तरह भी तुहानू इतिहास दे विच वीडियो चाहीदी आ तुसीं उह भी सानू कमेंट करके दस सकदे हो। साडी वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।